गुड आफ्टरनून सबको, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स भेज दिया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कल के लिए आपको एक असाइनमेंट रहेगा, कल कौन सा भी लेक्चर्स नहीं रहेगा, तो मैं दो प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजता हूँ, तो वो सॉल्व करना है आपको, ठीक है? तो हम लोग अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 22 शेड पब्लिकेशन का हम लोग सॉल्व करें। अभी ये जो प्रॉब्लम है 22, अभी इसमें क्या दिया है, वाइड लिमिटेड टू कोर द बिजनेस ऑफ मिसेस नैरो एंड सन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है और इनका रजिस्ट्रेशन है 1 सितंबर। 1 अप्रैल से 1 सितंबर ये पहला पीरियड है और ईयर एंड हो गया 31 मार्च को। ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च को। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, सबसे पहला सैलरीज दिया है, टाइम रेशियो, रेंट एंड रेट टाइम रेशियो, कैरेज आउटवर्ड सेल्स, ऑडिट फीस टाइम रेशियो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स, डेप्रिसिएशन टाइम, एडवर्टाइजिंग सेल्स, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है सेल्स। बाद में आपको ट्रेंड ऑफ सेल्स दिया है, हर महीने का अलग अलग सेल्स दिया है, तो वो हिसाब से सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है। बाद में आउट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3000 वेयर इनकर्ड बाय ऑफिस, तो टोटल ट्रैवलिंग में से 3000 ऑफिस का है, तो वो टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे और बाकी का सेल्स मंथ का है तो बाकी का सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। बाद में वाइड लिमिटेड टू कोवर मशीन वर्थ रुपीज 72,000, तो 72,000 का नया मशीनरी वाइड लिमिटेड ने लिया है और इसकी डेट है 1 फरवरी, तो इसका डिप्रिसिएशन फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में आएगा, सेकंड पीरियड में इसका डिप्रिसिएशन आएगा। सेवेंटी टू थाउजेंड का पूरे ईयर का आएगा 10%, 7200 पूरे ईयर का आएगा।
और 48,000 का नया परचेस किया है 1 फरवरी को, उसका 10% 2 महीने का आएगा सेकंड पीरियड में। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ऑडिट फीस आर पेड फॉर द होल ईयर, तो ऑडिट फीस जो है आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला अपना टाइम रेशियो। अभी अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को, इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर 2017। और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना। तो फर्स्ट पीरियड है वो 5 महीने का है, फर्स्ट पीरियड 5 महीने का, और सेकंड पीरियड 7 मंथ्स, सेकंड पीरियड 7 मंथ्स। तो रेशियो 5:7, रेशियो 5:7। अभी सेल्स रेशियो के लिए अलग अलग महीने के सेल्स आपको दिए हैं, तो हम लोग सेल्स रेशियो का नोट बनाते हैं। अगला नोट आपका सेल्स रेशियो का, सेल्स रेशियो में आपको जो सेल्स दिया है अप्रैल और मई का 8,500, बाद में जून जुलाई 10,500, जून जुलाई 10,500, अगस्त सितंबर 12,000, अक्टूबर नवंबर 14,000, और दिसंबर से आगे 15,000। और आपका जो लक्ष्मण रेशा है लाइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगस्त और सितंबर के बीच में। तो ये सबका टोटल 50,000 है, फर्स्ट पीरियड का टोटल 50,000 और सेकंड पीरियड का जो टोटल है 1 लाख, सेकंड पीरियड का टोटल 1 लाख। तो रेशियो 50,000 1 लाख मतलब 1:2 सेल्स रेशियो। रेशियो है। तो ये हो गया। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का नोट करना है।
तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में टोटल जो है 6600, उसमें से टाइम रेशियो में डिवाइड करना है 3000, टाइम रेशियो में 3000 और सेल्स रेशियो में 3300। तो टोटल 6600 है, उसमें टाइम में डिवाइड करने का है 3000 और सेल्स में डिवाइड करना है 3300। टाइम रेशियो 5:7। तो इधर इंटू 5/12 करना है 1250, इधर इंटू 7/12, तो 1250 1750, और इधर 1 और 2, तो ये 1100 और 2200, ये 1/3 2/3 में डिवाइड किया और ये 5/7 5:7 में डिवाइड किया, तो प्री की टोटल है 1250 प्लस 1100 मतलब 3350। और पोस्ट की जो टोटल है 1750 प्लस 2200 तो ये आएगा 3950। ये 3600 रुपये, 1200 और 400। तो 2450 और ये 2450 और 4150। तो ट्रैवलिंग का हो गया, अभी डेप्रिसिएशन का इम्पोर्टेंट नोट करना है। Thank you.
डिप्रिसिएशन ऑन 72,000 इसको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, डिप्रिसिएशन ऑन 72,000 7200 ये टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, 72,000 का 10%, तो 7200 टाइम रेशियो 5:7 में डिवाइड करना है इंटू 5/12 इंटू 7/12 तो 3,300 4,200 बाद में डिप्रिसिएशन ऑन 48,000 और 2 months तो ये 48,000 का 10% इंटू 1/12 तो ये 400 पोस्ट में है। तो प्री का टोटल 3,000, पोस्ट का टोटल 4,600। तो इधर हम लोगों ने गलती से 1 महीने का लिया था, 2 महीने का लेना चाहिए 800, तो ये पोस्ट में जाएगा, मतलब 3,000 और 5,000 ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ऑडिट फीस पूरे ईयर का है, तो अपना वर्किंग नोट्स बना के हो गया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेन आंसर तो अभी ड्रॉ करेंगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ मेसर्स वाइड लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वाइड लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018। अभी इधर ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 75,000, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो है 1:2, सेल्स रेशियो 1:2, तो 1:2 अपना सेल्स रेशियो है, तो 1/3 और ये 2/3,
तो 25,000 50,000 डिवाइड किया। अभी एक्सपेंसेस में सबसे पहला सैलरीज है, सैलरीज अपने को टाइम रेशियो में डिवाइड करने का है। सैलरीज की अमाउंट 12,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। 12,000 का टाइम रेशियो फाइव बाई ट्वेल्व इंटू सेवन अपॉइंट ट्वेल्व। तो ये 5,000-7,000 आ गया। सैलरीज के बाद रेंट एंड टैक्सेस 9,600 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। रेंट एंड टैक्सेस के बाद कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो 7,500 सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद अगला है ऑडिट फीस टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। ऑडिट फीस 1200 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। ऑडिट फीस के बाद अगला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ट्रैवलिंग स्पेसिफिक है, छः हज़ार छः सौ टोटल। और हम लोग ने जो डिवाइड किया है 2,450 और 4,150। ट्रैवलिंग के बाद अगला जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। तो उसका जो अमाउंट है 2,400 स्टेशनरी के बाद अगला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशियो, तीन हजार टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स रेशियो में 4,800 सेल्स रेशियो। कमीशन ऑन सेल्स के बाद डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हम लोग ने डिवाइड किया है। डेप्रिसिएशन के अमाउंट है 8,000 स्पेसिफिक 3,000-5,000 डिप्रिसिएशन के बाद एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। एडवर्टाइजिंग ये 2,400 सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। एडवर्टाइजिंग के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट
पोस्ट में आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट है 800, पोस्ट में आएगा 800। प्रीमियर एक्सपेंसेस पोस्ट में आएगा 900। पोस्ट में आएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी टोटल लेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट 15,800 और ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ, अब ये शेड पब्लिकेशन का 25th प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, मेसर्स निमिष प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st अगस्त, तो 1st अगस्त का रजिस्ट्रेशन है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर चिन्मय विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल। तो 1st अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1st अगस्त को इनकॉर्पोरेशन डेट है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। सबसे पहला ऑफिस सैलरीज, ये टाइम रेशियो में आएगा। चिन्मय सैलरी पहला पार्टनर है, प्री पीरियड में आएगा। एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अच्छा इधर भी पिछले प्रॉब्लम के जैसा एडजस्टमेंट है। फिर ऑफिस रेंट टाइम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम, डायरेक्टर फीस पोस्ट ऑडिटर फीस टाइम, बैड डेट्स सेल्स कमीशन ऑन सेल्स सेल्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्री डेप्रिसिएशन टाइम, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट और शेयर ट्रांसफर फीस। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स और शेयर ट्रांसफर फीस जो है वो तो पोस्ट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल 2017 को, इनकॉर्पोरेशन डेट है 1st अप्रैल 2017। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल में जून जुलाई 4 महीना प्री पीरियड और 8 महीना पोस्ट पीरियड,
टाइम रेशियो 4:8 या 1:2। ओके, तो टाइम रेशियो हम लोग ने कैलकुलेट किया। अभी इसके बाद अपने को अगला कैलकुलेट करना है सेल्स रेशियो। अभी सेल्स रेशियो के बारे में इन्होंने बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8 लाख। टोटल जो सेल्स है वो 8 लाख है। एरोज इवनली पर मंथ अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक इक्वल था, वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 पर मंथ ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। बाद में वो 2/3 से बढ़ गए। ओके, तो अभी हम लोग सेल्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम है, लक्ष्मण रेखा अगस्त और सितंबर के बीच में है। तो अभी इधर सितंबर तक सेल इवनली है, बाद में 2/3 से बढ़ गया। तो 1 सितंबर तक 1, बाद में 1/2 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
वन चार बार अभी इधर वन जो है आठ बार है और टू थर्ड छह बार है, वन चार बार टू वन आठ बार, वन जो है आठ बार है और टू थर्ड छह बार है, चार तो आठ और चार बारह, तो इधर चार और बारह सेल्स रेशियो, वन टू थ्री, तो ये टाइम रेशियो हो गया, सेल्स रेशियो हो गया। उसके बाद अभी आपको रेंट का नोट करना है, रेंट का जो नोट है पहले 30 सितंबर तक 8400 था, बाद में 10800 हो गया, तो रेंट का नोट कर, रेंट पहला 8400 सितंबर तक था, बाद में 10800 हो गया, तो इधर अपने को 8400 डिवाइडेड बाय 12 ये सितंबर तक लेना पड़ेगा,
बाद में 10,800 इंटू डिवाइडेड बाय 12 तो इधर 700 आंसर रहेगा सितंबर तक और उसके बाद 900 आंसर रहेगा इधर 8,400 704 × 2800 और इधर ऊपर की जो टोटल है वो 6,800 तो 2,800 और ये 6,800 ठीक है। तो ये रेंट का नोट हो गया। अभी ट्रैवलिंग का ऊपर के जैसा ही नोट करना है अपने को। ट्रैवलिंग में 1600 रुपये सेल्स का है और बाकी का टाइम का। तो ट्रैवलिंग का नोट करते हैं। अभी ये जो ट्रैवलिंग का नोट है इसमें टोटल खर्चा है ये 4,000 है। टोटल खर्चा 4,000 और उसको सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। सेल्स जो है सेल्स का 1600 और इधर का 2400 तो सेल्स रेशियो 1:3, 1:2, 1:3, 1/4 400 और ये 3/4 1200 और टाइम रेशियो 2400 है 1:2 2400 × 1/3 1600 तो प्री का जो टोटल रहेगा 400, 800, 1200 और पोस्ट का जो टोटल 1200, 1600, 2800
तो ये आपका ट्रैवलिंग का नोट हो गया। बैड डेट्स ऑलरेडी आपको है 400 वेंडर्स से लिया है तो प्री में आएगा, और 800 आपको सितंबर का है तो पोस्ट में आएगा। तो बैड डेट्स आपको क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है, और चिन्मय एग्रीड टू गेट इज अकाउंट्स ऑडिटेड, तो ये ऑडिट फीस आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करने का है, और डिप्रिसिएशन का नोट आपको करना है। डिप्रिसिएशन में 600 रुपये जो एसेट पोस्ट पीरियड में लिया उसका है, और बाकी का अमाउंट आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन का नोट करते हैं, डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन आपको दिया है 2100, और इधर पोस्ट पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है, पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन 600, उसमें से बाकी का जो अमाउंट है 1500 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। तो इधर टाइम रेशियो जो है 1:2, 1/3, 2/3 डिवाइड करना है। तो इधर 500 और 1000, तो अभी प्री जो है प्री में 500 और पोस्ट में 1500 प्लस 1000 2500। तो 500 और 2500 है अमाउंट डेप्रिसिएशन का। ये 600 और 1000 1600। ओके, तो अभी अपना नोट्स बना के हो गया। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इधर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निमिष प्राइवेट लिमिटेड, अभी इधर सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट है, और इधर शेयर ट्रांसफर फीस भी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको दिया है 1 लाख, और इसको सेल्स रेशियो 1:3 1/4 3/4 में डिवाइड करना है इनटू 1/4 इनटू 3/4। उसके बाद शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस
शेयर ट्रांसफर की अमाउंट है 2000 और वो पोस्ट में आएगा। तो 25,77,000 और ये 1,02,000, तो इनकम हो गया। अभी हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले ऑफिस सैलरी दे, ऑफिस सैलरी टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। ऑफिस सैलरी 24,000 तो ऑफिस सैलरीज है 24,000, ये आपको टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। टाइम रेशियो है 1:2 में डिवाइड करना है 24,000 को, तो इधर 1/3 और ये 2/3 आएगा। तो ये 8,000-16,000 आ गया उस सैलरी, ऑफिस सैलरी। के बाद चिन्मय सैलरी, चिन्मय सैलरी है 2,000, तो ये प्री पीरियड में आएगा। तो चीन में सैलरी प्री में हम लोग पोस्ट करें 2,400। चीन में सैलरी के बाद एडवर्टाइजिंग, ये सेल्स रेशियो में आएगा। एडवर्टाइजिंग है 18,000 और ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। एडवर्टाइजिंग के बाद अगला जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जो अमाउंट है 1500 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद अगला जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस स्पेसिफिक बेसिस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है 4,000 और वो डिवाइड करना है 1200। ऑफिस रेंट हम लोग ने नहीं किया है, स्पेसिफिक ऑफिस रेंट की अमाउंट है 9,600।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200 2800, ऑफिस रेंट जो है हम लोग ने कैलकुलेट किया, ऑफिस रेंट 2800 6800 2800 और 6800 ऑफिस रेंट के बाद अगला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम शो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5100 टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे 1734 डायरेक्ट फीस 1200 पोस्ट डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा 1200 डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा ऑडिटर्स फीस 600 रुपये टाइम में थोड़ा ही बाकी है आपका अगला लेक्चर है ना कम से कम थोड़ा ही टाइम में करेंगे ऑडिटर फीस टाइम रेशियो फिर बैड डेट्स ऑलरेडी दिया है स्पेसिफिक 400 और 800 ऑलरेडी आपने को बोला है 400 और 800 बैड डेट्स के बाद अगला जो है कमीशन ऑन सेल्स सेल्स पे कमीशन ऑन सेल्स है 7000 सेल्स पे शो
कमीशन ऑन सेल्स के बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट 2000 एक्सपेंसेस के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में 2300 पोस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पोस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में आएगा सो डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फ्री में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्री लास्ट में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हम लोग ने कैलकुलेट किया है स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन है 2100
500 और 1600 ओके तो हम लोग अभी प्रॉफिट निकालते हैं। फर्स्ट पीरियड प्रॉफिट 650, सेकंड पीरियड 1950, फर्स्ट पीरियड का 650, सेकंड पीरियड का 1950, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रॉब्लम होमवर्क देता हूँ, ये दोनों प्रॉब्लम हो गए, प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ, तो ये आपको सबमिट करना है।
ठीक है, तो हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, वह असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है।